अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जुबैर। न्यू वीडियो में आप सबका खुशामदीद है। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं दीवान दौड़ी में जीशान भाई के पास में, जीशान भाई की आज जो जानवर है हम उनके पूरे जानवर देखेंगे जो तेलंगाना ब्रीड के अंदर है, जो घर के ऊपर एक सेटअप है पूरा माशाल्लाह से, वो पूरा सेटअप उन्होंने जो आज तैयार करे है और जो जानवर भी माशाल्लाह से उनके पास तैयार है, आज उनकी हम पूरी माशाल्लाह से अच्छी वीडियो इंटरव्यू के साथ बनाएंगे। आइए जीशान भाई से थोड़ा डिस्कस और बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जीशान भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं जीशान भाई? भैया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका नाम? भाई अल्हम्दुलिल्लाह सैयद इम्तियाज़। इम्तियाज़ भाई, जीशान भाई आज आपके पास जो जानवर है जी, वो कोसे कोसे ब्रीड के अंदर जानवर है आपके पास? मेरे पास 3-4 किस्म के ब्रीड के जानवर है, जिसमें जो है उंगोलगा है, तेलंगाना है जी, अच्छा कोकड़ है, कोटा है। अच्छा, तो ये पूरे आप घर के ऊपर पलाई करते हैं पूरे? जी हाँ, मेरे पूरे घर के पाले हुए जानवर है। अच्छा, तो जैसा आप ये पूरा सेटअप जो है आपका जी, तो आप ये इसके ऊपर तैयार करने के लिए कैसा कैसा मेहनत करे है और क्या क्या इसको डाइट्स देते हैं पूरा आप लोग? पहले एक बकरा लेके आया था मैं, शौक में लेके आया था। अच्छा, कि पाल के देखेंगे, किसी से कई लोगों से इंस्पायर हुआ था देख के। अच्छा, पाल रहे हैं लोग घर में। अच्छा, तो वो इंस्पायर, मैं भी इंस्पायर होके जो है एक बकरा लेके आके शौक के लिए ला के रखा था। ओके, अब उसी एक बकरे से काफी सारे जानवर हो गए मेरे पास। ओके, अब बकरा तो मैं बाहर से लेता नहीं अभी, क्योंकि बकरी के कुर्बानी के लिए जो है घर पे ही पालता हूँ और कुर्बानी में इसी में से बकरे जो है कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करता हूँ जी। अच्छा, मैं जैसा देख रहा हूँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैवी में है आपके पास जानवर जी, तो इनके लिए डाइट्स क्या क्या देते हैं आप? डाइट्स इनके पास, इनके देखिए अलग अलग किस्म के डाइट्स है। कोई इसमें से बकरे जो है कच्ची वाइट चूनी जो होती है जी, तुअर खाते हैं, तुअर की जी, और कोई घास खाते हैं, कोई पीपल का पत्ता खाते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा ये जो है वाइट चूनी ज्यादा खाते हैं। अच्छा, तो आइए जरा जानवर को भी बताते हैं जी। इंशाल्लाह, ये आपके पास जो ब्रीडर है आपका, ये कितने दूध के दांत पर है या कितने दांत पर है? अभी तो ये दूध के दांत पे है फिलहाल, वक्त साल अभी निकाल रहा है। अच्छा जी, अभी इंसान भी नहीं आई, देखिए दूध के दांत पे ही है, दूध के दांत पे है माशाल्लाह से। अच्छा, हेवी के अंदर है जी जानवर थोड़ा जी। ये तो आप ये पूरा घर के ऊपर पैदा हुआ सो बच्चा है ये? जी हाँ, मेरे घर पर पैदा हुआ सो बच्चा है ये। अच्छा माशाल्लाह, बहुत हेवी के अंदर है और अच्छी हाइट डाला है दो दांत पर, हथियार भी पूरे मार्बल में है, मार्बल सिंह है पूरे माशाल्लाह से। तो इसको आप क्या रेट में कोट कर रहे हैं? इसकी देखिए कोट में 17 से 18 के बीच में कोट कर रहा हूँ इस बकरे को। अच्छा, क्योंकि अब पहचानने वाले ही पहचानते, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत साफ और तंदुरुस्त जानवर है ये। जी हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जानवर है जो तेलंगाना ब्रीड, जो ब्रीडर के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, और ये खसूसन ये ब्रीडर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तेलंगाना में देखा हूँ मैं माशाल्लाह से, तो कुछ कम जानवर रहते हैं, ये एकदम हेल्थी है और ब्रीडिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके हॉर्न्स जो है मार्बल में हाईवे है, अच्छे बड़े हैं हॉर्न्स इसके। आइए एक दूसरा भी एक जानवर है जीशान भाई के पास, उसको भी देखो। जीशान भाई, जैसा आप अभी हम ये रेड कलर का बताए हुए हैं, ये भी आपके घर पे पैदा हुआ सब बच्चा है या आप परचेस करे थे? नहीं, ये मैं जो है छोटा था जब लिया था इसको। अच्छा, लेकिन बिल्कुल बहुत ही कमजोर और लाचार था, लाहार था। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर मेहनत हुई। अच्छा, मेहनत होने के बाद आज जो है ये कंडीशन है इसका। अच्छा माशाल्लाह से, ये भी बहुत हाइट में भी अच्छा है और बहुत एकदम गोल बच्चा है, सिंग भी माशाल्लाह, हथियार इसके अच्छे है हॉर्न से। कितने दांत पर है ये? दो दांत पे, फ्रेश दो दांत लगाए हुआ है। तो इसको क्या कोट कर रहे हैं जीशान भाई आप? मैं इसको देखिए 15,000 कोट कर रहा हूँ उसको मैं। 15,000 रुपये जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जानवर है दोनों भी। ये दोनों भी फुल अच्छे ब्रीडर्स टाइप के हैं ये दोनों भी। तो गाइस, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, तो आप लोग ये तेलंगाना के अंदर किसी को भी चाहिए तो आप जीशान भाई से आप ज़रूर कांटेक्ट करिए। आइए दूसरे दो नए नायाब इनके पास जानवर है वो भी देखते हैं। जीशान भाई, ये कौन सी नस्ल का बच्चा है ये? ये कोटा है ये। अच्छा, ये कोटा है ब्रीड में है जी। हाँ, देखिए कान वगैरह पूरे देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा खूबसूरत है, काफ़ी लंबे कान है इसके और छालर वगैरह भी काफ़ी बेहतर है इसका जी। हाँ देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में है माशाल्लाह से, दूध के दांत पे है। दूध के दांत पर है अभी जी। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। तो इसको आप क्या कोट कर रहे हैं जीशान भाई? इसको मैं 8,000 नेगोशिएबल कोट कर रहा हूँ। 8,000 रुपये जी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जानवर है, फुल ब्लैक, जेट ब्लैक के अंदर झालर के साथ है। कोई इसको ब्रीडिंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो
तो भी आप ले सकते हैं। कोठा ब्रीड के अंदर है, अच्छी क्वालिटी में है, ये भी पूरा घर का पलावा बच्चा है अजीशान भाई के पास। तो कितना बोले आप, 8500? नहीं, 8000 है, नेगोशिएबल। 8000 रुपये में इसका कोट कर रहे हैं, शॉर्टली नेगोशिएबल है। तो आप कॉन्टैक्ट करिए कोठा ब्रीड के लिए। हाँ जीशान भाई, जैसा ये मेंढी है, एक छोटा इसका एक बेबी भी है जी। तो इसकी क्या डिटेल है, ये कब से है आपके पास है? ये जो बकरी का इसके बच्चे का जो साइज देख रहे हैं जी, हाँ वो साइज में मैं इसको लिया था, अच्छा। लिया था किसी के पास से जी, अच्छा। तो वही साइज से मैं इसको पाल के घर की पड़ी, घर की पली भी है, पालतू है बिल्कुल, अच्छा, हर चीज खाती, अच्छा माशाल्लाह। हालांकि मैं इसका बच्चा डाली है, 20 दिन का बच्चा है ये, 20 डेज का है। ये मेल है फीमेल है? ये मेल है, ये मेल बच्चा है। वेरी गुड, मेल है, 20 डेज का है। तो इसको क्या कोट कर रहे हैं आप, ये फीमेल को उसके बच्चे के साथ? 8000 रुपये बच्चे के साथ है, बच्चे के साथ 8000 रुपये जी। ओके चलिए, ये दूसरी एक और एक देखते हैं। हाँ जीशान भाई, ये जो वाइट बता रहे हैं आप, ये फीमेल है तेलंगाना में? जी हाँ, ये तेलंगाना में फीमेल है। आप जो लाल बच्चा जो पहला इसके साथ में जो बच्चा है ये, जी हाँ इसी का बच्चा है ये माँ बेटे है दोनों, ये भी दोनों माँ बेटे है ये दोनों। माशाल्लाह, माँ से तो बहुत पार हो चुका है, बेटा तो बहुत हेवी मेल है। तो ये अब खाली है या गाबन है बकरी? ये गाबन है बकरी, ये गाबन है वाइट में, तेलंगाना पोर्ट, तेलंगाना में चाहिए भी जी हाँ। तो दिसंबर में डालेंगी बच्चे इंशाल्लाह, है ना? ये दिसंबर में डिलीवरी है इसका जी हाँ। ओके वेरी गुड, माशाल्लाह खूबसूरत मेंढी है। हाँ माशाल्लाह, फुल वाइट कलर में है जी, बहुत रेयर आती है। इसके खुर भी जो है पूरे एकदम मार्बल में है जी, अच्छी क्वालिटी में है फ्रेंड्स। तो आप लोग किसी को भी चाहिए तो तेलंगाना फीमेल्स और मेल्स के लिए, जो घर के पालतू जानवर है, ये मंडी के जानवर पूरे बीमार रहते हैं, तो आप लोग ऐसे जानवर खरीदिए जिससे आपको फ़ायदा हो और तंदुरुस्त जानवर मिले आपको। हाँ जीशान भाई, ये कौन सा बच्चा है जीशान भाई? ये कर्नाटक का बच्चा है ये, अच्छा क्रॉस में है ये क्रॉस ब्रीड में, कर्नाटक में क्रॉस। तो ये कब से है आपके पास में? ये भी छोटा था जो साथ में जब से ही है, अच्छा। तो अच्छा है, ये मेल है फीमेल है? ये मेल है, ये मेल बच्चा है माशाल्लाह। तो इसका क्या कोट कर रहे हैं आप? इसका 6000 कोट कर रहा हूँ मैं, 6000 रुपये से। ओके गाइस, जैसा आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये एकदम फुल एग्रेसिव मेल बच्चा है, जो तेलंगाना में, जो सॉरी कर्नाटक के अंदर क्रॉस बच्चे में। तो आप किसी को भी चाहिए तो जीशान भाई से पूरा हम डिटेल ले चुके हैं, थोड़ा आइए, इनका लोकेशन और फ़ोन नंबर इनका पूरा लेते हैं जीशान भाई से। जीशान भाई ये बताइए, ये जो शौक़ जो आप कर रहे थे, ये टोटल कितने साल से कर रहे हैं आप शौक़? ये मेरा 6-7 साल पुराना शौक है ये, अच्छा। तो 6-7 साल से ये बकरों के अलग अलग ब्रीड के बकरे ला के पाल चुका हूँ, अच्छा। तो वही 6-7 साल पुराना शौक है मेरा ये, अच्छा। तो ये आपका परफेक्ट लोकेशन बताइए जीशान भाई। ये देखिए, मेरा परफेक्ट लोकेशन दीवान देवड़ी मीरालम मंडी जो है जी हाँ, मीरालम मंडी के बिल्कुल बाजू में मेरा मकान है, अच्छा। वहाँ पे आ सकते हैं। आपका एक बार नंबर बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 9885617254। व्हाट्सअप कॉलिंग एक ही है? व्हाट्सअप और कॉलिंग एक ही नंबर है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच हमारे जीशान भाई, जो आप हमको टाइम दिए, आपके पूरे जानवर हमको बताए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर भी हमको। गाइस जैसा आप देख रहे थे, इनके पास में पूरे तेलंगाना ब्रीड के अंदर कोठा में और देसी भी एक मेल बच्चा है, जो हम कवर नहीं कर रहे थे अभी, ये भी एक देसी बच्चा है। तो आप उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। खुदा हाफिज़ फ्रेंड्स।